हेलो दोस्तों, आज 25 नवंबर 2021 के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अर्बन इंडिया इंडेक्स में कौन सा शहर टॉप किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी शिमला। ठीक है, तो फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि SDG अर्बन इंडिया इंडेक्स 2021-22 जिसको रिलीज़ किया गया है नीति आयोग के द्वारा, तो याद रखेगा जो कि पहला SDG अर्बन इंडिया इंडेक्स है, इसको रिलीज़ किया गया है नीति आयोग के द्वारा एंड इसमें 56 अर्बन लोकल बॉडीज़ को रैंक किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ 77 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिकेटर्स एंड ये सारे इंडिकेटर्स रिलेटेड है एंडिंग पॉवर्टी से, जीरो हंगर से, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग से एंड क्वालिटी एजुकेशन। तो इसमें टॉप कर रहा है शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कोयम्बटूर तमिलनाडु में, चंडीगढ़ हरियाणा एंड लास्ट में आया है धनबाद जो कि झारखंड में स्थित है। तो नीति आयोग की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका फॉर्मेशन हुआ था 1 जनवरी 2015 को। CEO है अमिताभ कांत एंड चेयरमैन है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने एस्ट्रॉयड डिफ्लेक्टिंग स्पेस क्राफ्ट जिसका नाम है डार्ट स्पेस क्राफ्ट, तो इस स्पेस क्राफ्ट को किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी नासा ने। ठीक है, तो वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम यानी कि दुनिया का पहला प्लेनेटरी डिफेंस सिस्टम जिसका नाम है डार्ट स्पेस क्राफ्ट और इस स्पेस क्राफ्ट को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा एंड इसमें रॉकेट यूज़ किया गया था स्पेस एक्स का Falcon 9 एंड ये स्पेस क्राफ्ट यानी कि डार्ट स्पेस क्राफ्ट जो कि डायमोर्फस एस्ट्रॉयड से जाके कोलाइड करेगा एंड इसके जरिए नासा के द्वारा एस्ट्रॉयड डिफ्लेक्टिंग टेक्नोलॉजी को टेस्ट किया जाएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले जो भी एस्ट्रॉयड अर्थ की ओर आ रहे हैं तो उसको कोलाइड करके उसको डिफ्लेक्ट किया जा सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश के बीच तटरक्षक अभ्यास यानी कि कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज दोस्ती को कंडक्ट किया है? तो इसका ऑप्शन सी श्रीलंका एंड मालदीव के साथ। तो बायनियल ट्राइलेटरल कोस्ट गार्ड एक्सरसाइज जिसका नाम है दोस्ती एंड इसका ये 15th एडिशन है एंड इसमें कंट्री कौन कौन शामिल है? तो इंडिया, मालदीव एंड श्रीलंका। ठीक है, एंड ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुआ? तो मालदीव में। तो एक्सरसाइज दोस्ती की बात करते हैं तो इसको लॉन्च करा गया था 1991 को एंड इसमें ये एक बायलेटरल एक्सरसाइज था जिसमें कि इंडिया एंड मालदीव के द्वारा शुरू किया गया था, जबकि 2012 में इसमें श्रीलंका ज्वाइन हुआ एंड ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज हो गया। ठीक है, तो ये 2021 के कुछ इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज को रिविज़न कर लेते हैं। तो मित्र शक्ति जो कि इंडिया एंड श्रीलंका के बीच कंडक्ट किया गया था, एक्सरसाइज शक्ति इंडिया एंड फ्रांस के बीच, सूर्य किरण ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, काज इन 2021 तो काज से आप कजाकिस्तान एंड आई एंड डी से इंडिया याद रख सकते हैं, तो इसको कंडक्ट करा गया था इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच, जैर अल बहर इंडिया एंड कतर के बीच जो कि एक नेवल एक्सरसाइज था, जैद तलवार 2021 इंडिया एंड UAE, इंदिरा 2021 इंडिया एंड रशिया के बीच, एक्सरसाइज कोंकण 2021 इंडिया एंड UK के बीच, इंग्लिश चैनल में इसको कंडक्ट करा गया था, अल मोहद अल हिंदी 2021 इंडिया एंड सऊदी अरेबिया के बीच ये पहला एक्सरसाइज था और ये एक नेवल एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज मालाबार 2021 क्वाड कंट्रीज़ के बीच कंडक्ट किया गया था, तो क्वाड कंट्रीज़ में इंडिया आते हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड USA। ठीक है, वहीं पे खंजर एक्सरसाइज इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच एंड ये एक बायलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज था और ये कहाँ पे कंडक्ट हुआ? तो बिस्केक में। वज्र प्रहार 2021 ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज इंडिया एंड USA के बीच और ये इंडिया के हिमाचल प्रदेश में इसको कंडक्ट करा गया था। वहीं पे सिम्बेक्स यानी कि सिंगापुर इंडिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे पाताल पानी स्टेशन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किसके नाम पर रखा जाएगा? तो इसका ऑप्शन बी तांतिया भील के नाम पर। ठीक है, तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन जो कि इंदौर के महो में स्थित है मध्य प्रदेश में एंड इसका नया नाम होगा तांतिया मामा रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो तांतिया भील के बारे में जान लेते हैं, तो इसको इंडियन रोबिन हुड के नाम से जाना जाता है एंड ये भील ट्राइब से बिलोंग करते थे। ठीक है, एंड ये एक इंडियन रिवोल्यूशनरी यानी कि भारतीय क्रांतिकारी थे जो कि ब्रिटिश ट्रेजरी यानी कि जो कि ब्रिटिश खजाना थे इंडिया में तो उसको लूटा करते थे। ठीक है, एंड उसको लूट कर गरीबों में बांटा करते थे। ठीक है, तो रिसेंटली मध्य प्रदेश के हबीबगंज रेलवे स्टेशन को भी नाम बदल कर उसका नाम
रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है, तो इसको भी याद रखेगा। तो दो रेलवे स्टेशन जो चर्चा में था, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन एंड पातालपानी रेलवे स्टेशन, इन दोनों को याद रखेगा आप। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, अनीता देसाई को। ठीक है, तो रिसेंटली टाटा लिटरेचर लाइव लिटरेसी अवार्ड फॉर 2021 इसको अनाउंस किया गया है। एंड इसके विनर्स को देख लेते हैं, तो इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जिसको मतलब दिया गया है अनीता देसाई को, एंड बुक ऑफ द ईयर अवार्ड फिक्शन कैटेगरी में। एंड ये बुक मतलब है जिसको दिया गया ये अवार्ड, वो है अशोका अ सूत्रा। ठीक है, एंड इसके ऑथर है इरविन एलन सीली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली वाहन स्क्रैपिंग और पुनर्चक्रण इकाई किसने खोली है? हु ओपन्ड इंडियाज फर्स्ट व्हीकल स्क्रैपिंग एंड रिसाइकलिंग यूनिट? तो इसका ऑप्शन डी, MSTI। तो रिसेंटली MSTI यानी कि मारुति सुजुकी टोयोत्सु इंडिया, जो कि इंडिया का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग एंड रिसाइकलिंग यूनिट है। एंड ये MSTI जो कि जॉइंट वेंचर है बिटवीन मारुति सुजुकी एंड टोयोटो सुसो। ठीक है, तो इन्होंने मतलब MSTI ने इंडिया का पहला व्हीकल स्क्रैपिंग एंड रिसाइकलिंग यूनिट उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेटअप करा है, जहां पे ओल्ड व्हीकल को स्क्रैप यानी कि उसको रिसाइकिल करके नए व्हीकल में बनाए जाएंगे। ठीक है, तो व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी या फिर नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी, इसके बारे में जान लेते हैं। तो इसकी अनाउंसमेंट की गई थी 2020-21 के यूनियन बजट में। एंड इसका एम है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ ओल्ड एंड डिफेक्टिव व्हीकल्स, तो जितने भी ओल्ड एंड डिफेक्टिव व्हीकल्स है उसकी संख्या को कम करना, ताकि एयर पोल्यूशन कम हो सके। एंड इस पॉलिसी के तहत जो भी ओनर है यानी कि ओल्ड व्हीकल के ओनर है, वो अपने ओल्ड व्हीकल को स्क्रैप यानी कि रिसाइकिलिंग के लिए देते हैं, एंड वो नए व्हीकल परचेस करते हैं तो उसको सरकार की तरफ से टैक्स कंसेशन यानी कि कर में छूट मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे में कौन सा इंडियन इंस्टीट्यूट टॉप किया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, IIT दिल्ली। ठीक है, तो रिसेंटली ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी यूनिवर्सिटी रैंकिंग एंड सर्वे यानी कि GEURS इसको रिलीज़ किया गया है टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा, एंड इसमें टॉप करा है इंडिया में IIT दिल्ली, एंड इसका ग्लोबल रैंक है 27। एंड IISc बेंगलुरु जो कि सेकेंड नंबर पे इंडिया में, एंड इसका ग्लोबल रैंक है 61। वहीं पे पूरे विश्व में टॉप करा है MIT, एंड दूसरे नंबर पे है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश AUKUS सैन्य गठबंधन यानी कि मिलिट्री अलायंस में शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन बी, यूक्रेन। ठीक है, तो अभी यह चर्चा में इसलिए है क्योंकि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया ने साइन करा है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन डील विद US एंड UK। ठीक है, एंड इस AUKUS डील के तहत ऑस्ट्रेलिया को 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन दिया जाएगा, मतलब US एंड UK के द्वारा। तो AUKUS के बारे में जान लेते हैं, तो इसमें मतलब ऑस्ट्रेलिया, UK एंड USA शामिल है, जो कि एक मिलिट्री अलायंस है। किसके लिए? तो इंडो पैसिफिक रीजन के लिए। एंड इसका फॉर्मेशन 2021 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रानी गैदिन लियू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम किस राज्य में बनाई जा रही है? तो इसका ऑप्शन सी, मणिपुर में। ठीक है, तो रानी गैदिन लियू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम, एंड इसका रिसेंटली शिलान्यास यानी कि फाउंडेशन स्टोन रखा है अमित शाह के द्वारा, जो कि यूनियन होम मिनिस्टर है। एंड ये कहाँ पर बनाए जा रहे हैं? तो मणिपुर के तामेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो रानी गैदिन लियू जो कि एक स्पिरिचुअल पॉलिटिकल लीडर एंड फ्रीडम फाइटर थे, और ये रोंगमेई ट्राइब मणिपुर के रोंगमेई ट्राइब से बिलोंग करती थी। एंड रानी का टाइटल इनको जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था, एंड इनको 1982 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा हवाई अड्डा भारत का पहला शुद्ध शून्य उत्सर्जन हवाई अड्डा होगा? विच एयरपोर्ट विल बी द इंडियाज फर्स्ट नेट जीरो इमिशन एयरपोर्ट? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, नोएडा एयरपोर्ट। ठीक है, तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि NIA ये उत्तर प्रदेश के नोएडा के जेवार में स्थित है, एंड इसका रिसेंटली फाउंडेशन स्टोन रखा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो उत्तर प्रदेश भारत का एकमात्र स्टेट होगा जहाँ पे 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट होंगे।
तो ये पांच इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ कहाँ हैं? तो लखनऊ में है चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वाराणसी में है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, कुशीनगर में रिसेंटली इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा करा गया है। तो ये तीनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि ऑपरेशनल है, वहीं पे अयोध्या में बनाए जा रहे हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एंड नोएडा में रिसेंटली इसका फाउंडेशन स्टोन रखा गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा IIT आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस यानी कि 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की मेज़बानी कर रहा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए IIT दिल्ली, ठीक है। तो 5th वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट इसको होस्ट कर रहा है IIT दिल्ली, एंड इसका उद्घाटन करा है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, एंड इसकी थीम है टेक्नोलॉजी फाइनेंस कैपेसिटी फॉर बिल्डिंग रेजिलियंस टू डिज़ास्टर इन द कंटेक्स्ट ऑफ COVID-19। एंड जो कि वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, इसका पहला एडिशन हैदराबाद में 2008 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शेख सबा अल खालिद को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन सी कुवैत के, ठीक है। तो रिसेंटली कुवैत के शेख सबा अल खालिद, जिनको मतलब कुवैत के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया गया है, तो कुवैत आपको मैप में यहाँ पे मिल जाएगा, जिसकी कैपिटल है कुवैत सिटी और यहाँ पे है पर्शियन गल्फ।